हेलो गाइस, शिल्पी मित्र ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज कुछ स्पेशल है, आज मेरी बेटी का बर्थडे है। और तो आज हम बर्थडे में क्या क्या करेंगे वो सब मेरे साथ बने रहिए। आप फिलहाल देखते हैं अंदर ये बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे साथ। आप मेरे साथ गाइस, भारतीय जनता पार्टी हमारी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ कूदा कादी कर रहे हैं। ये है बर्थडे गर्ल, बोलो हाय। हाय। कुछ देर में इसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो पढ़ाना भी जरूरी है और सेलिब्रेशन भी जरूरी है क्योंकि बर्थडे कभी कभी आता है। और अब बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे घर का बंदर है जो हमेशा नाचता रहता है। और ये है बर्थडे गर्ल जो पढ़ती पढ़ती यहाँ भाग आई। और इस बिचारी का बर्थडे का फीस की ओरिजिनल डेट में बनता ही नहीं है। क्योंकि हमें इसकी ओरिजिनल डेट पता ही नहीं है, है ना? पता है। ये सौतेली है ना, जैसे हम कूड़े के ढेर से टाके लाए थे। है ना, कूड़े के ढेर से लेके आए थे ना? नहीं नहीं, हाँ नहीं लेके आए थे, कूड़े के ढेर से ही लेके आए थे तुझे हम। नहीं लेके आए। और क्या, ये देखो, ये शैतान खोपड़ी, इसे अपने बर्थडे का पता ना पता हो लेकिन ये आपके घर में भी ऐसी शैतानी करते हैं? हमारे घर में तो बहुत शैतानी करते हैं हमारे बच्चे। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है? अब हम तैयारी करेंगे इसके बर्थडे की। बाय बाय। और यहाँ पे मैं और माधव कर रहे हैं और इनके पापा तैयारी वर्दी के बर्थडे की। मैं जो हैप्पी बर्थडे का टैग होता है वो तैयार कर रही हूँ। ये फुला रहे हैं बैलून बड़े बड़े और माधव उन्हें फोड़ने की तैयारी कर रहा है। वो फुला नहीं पाता तो फिर भी सोच रहा है कि मैं भी करती हूँ। और यहाँ पर परिधि बना रही है हमारी वीडियो। और अब यहाँ पर हो गई है केक कटिंग की तैयारियाँ। मोमबत्तियाँ जल चुकी हैं और इनसे मैं कह रही हूँ कि एक दो फ़ोटो खिंचवा लो क्योंकि ये मेरे बच्चे इतने स्पेशल हैं कि एक भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद मैं दोनों से बोल रही हूँ कि फूक मारो, तो दोनों ने फूक मार दी। अब माधव स्टैंडिंग ओमेशन देकर दीदी को सेलिब्रेशन कर रहा है। उसे कहा मैंने, कहा बैठ जा, कोई राष्ट्रीय गान नहीं चल रहा यार। उसके बाद परिधि जी शर्माती हुई थोड़ी थोड़ी क्योंकि अभी 2 साल की होगी है ना। इसके पापा जोक छोड़ते हुए और ये दोनों बहन भाई आपस में केक कटिंग करते हुए एक मोमबत्ती हम छोड़ देते हैं, वो भगवान जी की आली में रख देते हैं। और इसके पापा इनमें से सारी मोमबत्तियाँ निकाल रहे हैं ताकि जो इनका मोम है वो केक पे ना गिर जाए। इसके बाद परिधि तरह तरह के पोज देती हुई और वह तो वो बेचारी खुद ही शुरू होगी कि ला मैं खुद ही खा लेती हूँ। वो कह रहा मैं खिलाऊंगा, वो कह रही नहीं मैं खुद खाऊंगी। और ये वाली मोमबत्ती ले जाके मैंने इनसे बोला, मैंने कहा ये भगवान जी मेरा दो। और अभी थोड़ी देर में इन दोनों की लड़ाई बजने वाली है। बस एक्सप्रेशन देखो जरा इन बच्चों की, लिटा की। हो गई लड़ाई शुरू हो चुकी है। दीदी ने भैया को मार दिया है, भैया का मुंह लटक गया है और दीदी रोने लगी है, बर्थडे गर्ल रोने लग गई है। लेकिन थोड़ी क्योंकि गलती परिधि की थी, परिधि गुस्सा जल्दी आ जाता है तो इसीलिए वो थोड़ी देर में खुद ही सही हो गई। और जो परिधि को फेवरेट था चॉकलेट वाला, वो पार्ट माधव दीदी को खिला रहा है। उसने बेचारे ने अपने आप ही खा लिया। वो कह रहा है कि मुझे भी खिला दे मैन, खिला दे ना प्लीज़, खिला दे। और
ये बर्थडे गर्ल अपने भाई को केक खिलाती हुई। वो छीना छपटी शुरू हो गई और उसके पापा बोल मुझे भी खिला लेंगे भाई, तू ही बैठा रहेगा क्या। और हमारे बच्चों के पिताश्री अपनी लाडली पुत्री को केक खिलाते हुए खा भाई केक खा, तेरी मम्मी का फोटो नहीं खींचा। और फिर उसके बाद मेरा भी नंबर आएगा और मैं भी खिलाऊंगी केक अपनी प्रिय पुत्री को, जिसे हम कूड़े के ढेर से उठा के लेके आए हैं। और मैं भी खिला रही हूँ, माधव जी देख रहे हैं कंटिन्यू केक को कि कब ये केक सेशन ख़त्म हो और हम मैं भी केक खाना शुरू करूँ। और इसके बाद शुरू हुआ वो बड़े वाला बैलून फोड़ा इन्होंने। और देखिए जैसे छोटे छोटे बच्चे टॉफी के पीछे भागते हैं ना, हमारे यहाँ सब भाग रहे हैं और सब ने टॉफियाँ कलेक्ट कर ली बहुत सारी, मुझे एक भी नहीं मिली क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही थी ना। हमारे इसके पापा भी ना बच्चों के साथ बच्चे ही बन रहते हैं। और इसके बाद हम लगी भूखी, हम गए पिज्ज़ा सेंटर क्योंकि परिधि का पिज्ज़ा बहुत फेवरेट है और सब ने अपनी अपनी पसंद की पिज्ज़ाज मंगाए और खाए। आज तो इसके पापा ने भी हाई कर दी और हमने पी कोल्ड ड्रिंक। और फिर हम आ गए घर। हेलो गाइस, कल हमने परिधि का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया और इसका बर्थडे हम ओरिजिनल डेट पे इसलिए नहीं मना पाते क्योंकि इसे हम कूड़े के ढेर से ठाके लेके आए थे। नहीं, कूड़े के ढेर से नहीं उठा के लाए थे क्योंकि ये इसका जो बर्थडे होता है वो 29 फेब को आता है और 29 फेब 4 साल में एक बार होती है क्योंकि ये एक लीप ईयर गर्ल है, तो इसी वजह से हम कभी 28 फरवरी को और कभी 1 मार्च को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो इसीलिए इसे बॉल को तो हटा ले, समझ में आया कि लीप ईयर गर्ल है, यूनिक है, तो पागलों वाले लक्षण भी है क्या तेरे अंदर? नहीं। तो यहीं पे ये व्लॉग समाप्त होता है। आप लोगों का मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरी बेटी के जन्मदिन का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और इसीलिए मैं अभी सिर्फ 2 साल की हुई हूँ। ये 2 ही साल की है क्योंकि अगले साल 3 साल की हो जाएगी। हाँ। तो ये मेरा व्लॉग है, मुझे बोल भी लेने दे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय करो, बाय।